बीएसटीसी कट ऑफ का इंतजार कर रहे समस्त साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, बीएसटीसी लेटेस्ट कट ऑफ पर महासर्वे की यह रिपोर्ट आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम चर्चा करने वाले हैं प्रदेश के प्रत्येक जिले के अभ्यर्थियों की कमेंट्स, जिनमें उनके द्वारा अपने स्वयं के मार्क्स बताए गए हैं। इस आधार पर यह आकलन आप कर सकते हैं कि प्रदेश में प्रत्येक जिले से अभ्यर्थियों के कितने सामान्य मार्क्स हैं और अब के बार परिणाम में विद्यार्थियों के कितने मार्क्स अपेक्षा से कम आए हैं। इस आधार पर आप कट ऑफ का आकलन भी स्वयं अपने आप निर्धारित कर सकते हैं। साथियों, अब की बार जो कट ऑफ रहने वाली है वो उम्मीद से कम ही रहेगी। जितना हमारे द्वारा अनुमान किया जा रहा था, लगभग कट ऑफ 420 प्लस जाने की थी, वो अब जाने वाली नहीं है। इसलिए साथियों, आपको कंप्लीट यह जानने के लिए कि सरकारी कॉलेज की कट ऑफ कितनी रह सकती है और आपकी कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ रह सकती है, इन सबको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ही ज़रूरी है। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बार बार उन्हीं प्रश्नों को पूछते हैं जिन प्रश्नों की वीडियो हम बना चुके हैं। आपको बता दें, अभी केवल बीएसटीसी की कट ऑफ, इसके बाद में रजिस्ट्रेशन, महाविद्यालयों का आपके द्वारा चयन का ऑप्शन और इसके बाद में कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया, इसके बाद में पुनः फिर से सेकंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग की संपूर्ण प्रोसेस, इन सब से संबंधित वीडियो हमारे द्वारा सबसे पहले आपकी संपूर्ण जानकारी के लिए बनाई जाएगी। और इसके बाद में भी बीएसटीसी कोर्स के दौरान और इसके पश्चात आप किस प्रकार से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करें, बीएसटीसी की तैयारी करें, इसकी भूमिका भी हमारे द्वारा एक गाइडलाइन के द्वारा तैयार की जाएगी। इन सब से जुड़े रहने के लिए सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि हमारी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँचे। इसके लिए साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे हमारी एक भी वीडियो आप मिस नहीं करें। अब साथियों, चलते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। साथियों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हो सकता है लेकिन आपके लिए धैर्य के साथ इसको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसको संपूर्ण देख लेने के बाद में आप स्वयं भी अपनी कट ऑफ का आकलन कर सकते हैं और यह भी निर्धारित कर सकते हैं कि आप अन्य परीक्षार्थियों के मुकाबले कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। साथियों, हमारी जो आज की पहली कमेंट उस रिजल्ट के बाद में आई, वो है अनीता खरबास जी की। ये पूछ रही, सर ओबीसी फीमेल 362, तो आपको बता दें तो 362 यदि ओबीसी के अंतर्गत है, महिला के हैं, तो आपका कोई भी चांस नहीं है। हम पहले भी कह चुके हैं ओबीसी महिला के लिए कम से कम 380 मार्क्स होने बहुत ही ज़रूरी है। 380 से कम में आपका कोई चांस नहीं है। फिर भी आप 362 मार्क्स हैं तो ऑल राजस्थान ऑप्शन रखकर एक बार काउंसलिंग ज़रूर करवा लीजिए क्योंकि काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के केवल 2000 रुपये हैं। यदि आपको कॉलेज आमंत्रित नहीं होता है तो केवल आपके 200 रुपये लेस होकर के और चेक के द्वारा आपको राशि वापस लौटा दी जाएगी। अगली जो हमारी कमेंट आ रही है वो कमेंट है शबनम खान जी की तरफ से। ओबीसी फीमेल है, इनके 362 मार्क्स हैं, इनके भी हनुमानगढ़ से हैं ये, और इनको भी आप बता दें कि आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी में आपके भी चांस बहुत कम हैं लेकिन फिर भी आप काउंसलिंग ज़रूर कराएं। नेक्स्ट हमारी कमेंट है कालीचरण राठौड़ जी की तरफ से, पूछ रहे ओबीसी में 334 कोई चांस? बिल्कुल कोई चांस नहीं है राठौड़ जी, 334 ओबीसी, ओबीसी वाले 380 से कम में बात ही ना करें। नेक्स्ट हमारी कमेंट हमारे साथी पूछ रहे हैं 390 ओबीसी, बिल्कुल यदि आप पुरुष हैं तो 390 ओबीसी में आप बिल्कुल डेड लाइन पर हैं। साथियों, आपको बता दें चांस है आप ऑल राजस्थान ऑप्शन रखें तो ही कॉलेज मिले, अन्यथा ओबीसी की जो कट ऑफ है वो लगभग साथियों 410 के आसपास रहने वाली है लेकिन अब के बार उम्मीद है कि कट ऑफ हो सकता है 400 से नीचे भी आ जाए। इसलिए आपका पूरा पूरा चांस है, आपको काउंसलिंग करानी है और आपको अच्छा खासा कॉलेज भी मिल जाएगा। और कट ऑफ की विस्तृत जानकारी के लिए हमारी पिछली वीडियो आप ज़रूर देखें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी अगली कमेंट आ रही है फोरंटा गुर्जर जी की तरफ से, ये पूछ रहे हैं सर बीएड सेकंड ईयर के फॉर्म भरना जा रहा हूँ, रिजल्ट आया नहीं है अभी तक। रिजल्ट आ चुका है, वो आप देख लें। गौरव ठाकुर जी पूछ रहे हैं सर 393 ओबीसी क्या होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा? प्लीज़ रिप्लाई, बिल्कुल 393 ओबीसी में आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। निश्चिंत होकर के अपने होम डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजों की प्रायोरिटी दें, आपको मिलेगा। नेक्स्ट हमारी कमेंट है वो शैतान सिंह जी की तरफ से, पूछ रहे हैं 384 जनरल में हूँ, हो जाएगा क्या? तो जनरल में 384 बिल्कुल डेड लाइन पर है। हमारा अनुमान है अभी तक का कि जनरल की 390 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। शैतान सिंह जी,
फिर भी काउंसलिंग आपको ज़रूर करानी है और प्रथम दृष्टया ही आपको राजस्थान ऑप्शन रखना है। नेक्स्ट हमारी कमेंट जो आ रही है प्रियंका सिंगल जी की तरफ से पूछ रहे हैं 279 ओबीसी फीमेल में कोई चांस है क्या? ओबीसी फीमेल 279 कोई चांस नहीं है, किसी भी प्रकार आपको सोचना ही नहीं है, काउंसलिंग नहीं करानी है क्योंकि 279 कभी भी होने वाली नहीं है। त्रिलोक राम जी पूछ रहे हैं सर मेरे 304 नंबर बीएसटीसी में आया है क्या, मेरे बीएसटीसी कॉलेज मिल सकती है क्या? 304 में त्रिलोक जी किसी भी हाल में आपको कॉलेज नहीं मिलेगी, आपको भी काउंसलिंग नहीं करानी है। कपिल गर्ग जी सर ओएमआर सीट दोबारा टीचर नहीं करवा सकते क्या, दोबारे रिचेक? अच्छा अच्छा, इनको लग रहा है कि इनके कुछ नंबर कम आए हैं, तो बिल्कुल सर इसका प्रावधान ये है कि आप RTI लगाइए और RTI के तहत अपनी ओएमआर सीट की फोटोकॉपी मंगवाइए। यदि आपके मार्क्स कुछ टोटलिंग में गड़बड़ है तो ही आपको सुधार होगा, अन्यथा चेक कभी भी दोबारा ओएमआर सीट नहीं होती है। प्रधान कुमार जी मीना जी पूछ रहे हैं कि सर कम नंबर आने वाले लड़के कौन से ज़िले में काउंसलिंग करवाएं जल्दी? तो प्रधान जी आपको बता दें कम नंबर वाले लड़कों को तो ऑल राजस्थान ऑप्शन ही रखना है, क्योंकि हम ये नहीं बता सकते आपको कि किस ज़िले में कितनी सीटें आवंटित हो जाएँ, कितनी कट ऑफ चली जाए, ये कोई अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं होता है, क्योंकि BSTC ओवरऑल राजस्थान के अकॉर्डिंग आपको विकल्प देती है। इसलिए आपको कम नंबर वालों को यदि BSTC करनी ही है तो उन्हें ऑल राजस्थान ऑप्शन देना होगा। शैतान सिंह जी पूछ रहे हैं कि सर 384 जनरल बिल्कुल डेडलाइन पर है, काउंसलिंग आपको करानी है, ऑल राजस्थान ऑप्शन रखना है। RD सर पूछ रहे हैं, इन्होंने अपने रोल नंबर दिए हैं, यदि RD सर अभी तक भी आप अपना रिजल्ट नहीं देख पाए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, आपका रिजल्ट भी पहुँचा दिया जाएगा। विश्राम खरवाल जी पूछ रहे हैं कि सर 343 नंबर है ओबीसी में 343 किसी भी सूरत में नहीं आएगा, फिर भी अब के बार थोड़ा सा स्तर अच्छा रहा है पेपर का और कट ऑफ कम जाने की संभावना है, यदि आप रिस्क ले रहे हैं तो 2000 रुपयों की बात है, 6 महीने बाद आपके 1800 वापस भी आ जाएंगे, इसलिए काउंसलिंग ज़रूर करवाइए, ऑल राजस्थान ऑप्शन रख लीजिए। प्रद्युम्न सिंह जी पूछ रहे हैं कि सर 283 फीमेल कैंडिडेट होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा, आपको काउंसलिंग भी नहीं करानी है। आपको बता दें कि 283 भले ही फीमेल हो, क्योंकि किसी भी सूरत में फीमेल की ST की भी कट ऑफ 350-340 से नीचे रहने वाली नहीं है। हमारी जो अगली कमेंट आ रही है वो है अनिल कुमार जी की तरफ से, वो रिजल्ट के बारे में कह रहे हैं, अनिल जी यदि अभी भी आप नहीं देख पाए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। नरेश मीना जी 284 है सर, डूंगरपुर से हूँ। नरेश जी 284 में किसी भी सूरत में नहीं होगा आपका। ये कुछ साथी हैं जिन्होंने कमेंट में अपने रोल नंबर दिए हैं, इनमें नरेश कोटारिया जी हैं, संध्यारवी वाट्स हैं और करण बैरवा जी हैं। यदि ये साथी अभी भी अपना रिजल्ट नहीं देख पाए हैं तो केवल इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताइए, इनका रिजल्ट भी पहुँचा दिया जाएगा। साक्षी टटेर जी पूछ रही हैं कि सर मेरे जनरल फीमेल 378 हैं, मुझे कॉलेज मिल जाएगा क्या? 378 बिल्कुल डेडलाइन से थोड़ा नीचे हैं, लेकिन फिर भी काउंसलिंग करवाइए, ऑल राजस्थान ऑप्शन रखिए, आपको कॉलेज मिलने की संभावना है। देवाराम जी पूछ रहे हैं, उन्होंने अपने रोल नंबर दिए, हो सकता है रिजल्ट के विषय में पूछ रहे हों। विक्रम सिंह जी नमस्ते करें, नमस्कार विक्रम जी आपको। विक्रम सिंह जी ने अपने मार्क्स बताए 273 ओबीसी से, 273 ओबीसी में सर बिल्कुल कोई चांस नहीं है, भले ही आप काउंसलिंग ना कराएं। विक्रम सिंह जी की अगली कमेंट आ रही है कि सर मैं विकलांग हूँ, ओबीसी से हूँ भी हूँ, और मेरे दोस्त सर विकलांग भले ही हैं, 273 बहुत ही कम मार्क्स हैं, फिर भी आपको विश्वास है तो 2000 रुपयों की बात है, काउंसलिंग करवा लीजिए, ऑल राजस्थान ऑप्शन रख दीजिए, आ जाता है तो ठीक है, अन्यथा 1800 रुपये आपके वापस हो जाएंगे। नेक्स्ट कमेंट आ रही है त्रिलोक नायक जी की तरफ से, सर नमस्ते, नमस्कार त्रिलोक जी, 415 नंबर SC कैटेगरी कोटा डाइट 100% मिलेगा, पूरे पूरे चांस हैं, यदि आपकी अच्छी किस्मत है, इन्होंने मोबाइल नंबर भी दिए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं, त्रिलोक जी निश्चिंत रहिए आपको 99% डाइट मिल जाएगा अभी तक के सर्वे के अनुसार, फिर भी आप जुड़े रहिए हमारे साथ, कमेंट करके बताते रहिए, हम आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगे बताते रहेंगे। ऋतु कुमारी जी
रिजल्ट नहीं देख पाई है, अभी तक भी नहीं देख पाए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, आपका रिजल्ट भी पहुंचा दिया जाएगा। अगली कमेंट जो आ रही है आशीष राठौड़ जी की तरफ से, मेरे जनरल में 401 नंबर हैं, तो 401 नंबर जनरल से बिल्कुल डेडलाइन पर हैं। सर काउंसलिंग आपको करानी है, कॉलेज अलॉटमेंट के चांस पूरे पूरे हैं। तो अगली जो हमारी कमेंट आ रही है पंकज सैनी जी की तरफ से 382 से ओबीसी में, तो ओबीसी 382 पूरे पूरे चांस है, काउंसलिंग करवानी है, बिल्कुल कॉलेज मिलेगा आपको सर 100%। विनोद मेहरा जी पूछ रहे 307 नंबर हैं ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप, 307 फिजिकल हैंडीकैप बिल्कुल चांस है सर, काउंसलिंग करवाइए, ऑल राजस्थान ऑप्शन रखिए, पूरे पूरे चांस है आपको कॉलेज मिलने के। नेक्स्ट हमारे साथी हैं, इनकी कमेंट रोल नंबर बताया इनके द्वारा रिजल्ट से संबंधित है। विश्वेंद्र सैनी जी 389 ओबीसी, 100% कॉलेज मिलेगा सर आपको, ऑल राजस्थान ऑप्शन से पहले आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज प्रायोरिटी में रखने हैं। फिर भी साथियों आपको एक बात बता दूं, अभी केवल कट ऑफ का अनुमान चल रहा है, कट ऑफ के अनुमान में भी आपको फाइनल कट ऑफ तक ले जाया जाएगा। इसके अलावा इसके बाद में साथियों अब रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द ही शेड्यूल जारी होने वाला है, रजिस्ट्रेशन में बहुत से साथी गलती कर जाते हैं, इसलिए आप रजिस्ट्रेशन कराने से पहले हमारी वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इससे जस्ट अगली जो वीडियो आ रही है वो आपकी BSTC काउंसलिंग की लाइव प्रोसेस, उसमें आपको बताई जाएगी कि आप काउंसलिंग कैसे कराएं, रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ीस चालान ऑप्शन कैसे रखें, कॉलेज बैंक में फ़ीस कैसे जमा कराएं, इन संबंधित समस्त जानकारी के लिए इस वीडियो को साथियों अवश्य देखें। इसके बाद में जो हमारी अगली वीडियो आएगी वो आपको महाविद्यालय चयन के बारे में, उसमें बताया जाएगा कि आपको कैसे कैसे कॉलेजों का चयन करना है जिससे आपको सरकारी व अपने होम डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज मिल सकें। अगली जो हमारी कमेंट है साथियों वो आ रही है विनोद मेहरा जी की तरफ। प्रिया शर्मा जी पूछ रहे हैं, इन्होंने अपने रोल नंबर दिए हैं, कानाराम चौधरी जी, कानाराम जी ओबीसी कट ऑफ के विषय में पूछ रहे हैं। तो कानाराम जी आपको बता दें ओबीसी के अंतर्गत लगभग 405 या 10 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है पुरुष की, और महिला की कट ऑफ लगभग 380 के आसपास रहने वाली है। इसलिए यदि आपके मार्क्स लगभग इतने हैं तो 400 तक भी ओबीसी के पूरे पूरे चांस हैं, इसलिए 400 मार्क्स पे भी आप अपनी काउंसलिंग ज़रूर कराएं, 400 मार्क्स पे आपको कॉलेज मिलेगा। अगली हमारी जो कमेंट है संध्या जी की तरफ से, इन्होंने अपने रोल नंबर दिए हैं। अगले हमारे साथी हैं DJ सॉन्ग, ये ST में 310 है, ST में 310 के सर कोई चांस नहीं है, आपको बता दें ST में 310 में ST लगभग 350 के आसपास लास्ट रहने वाली है कट ऑफ सर, इसलिए बहुत ही कम चांस हैं। आपको फिर से मैं रिपीट कर दूं, जनरल 400 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है, EWS की कट ऑफ इससे 10 कम अनुमान है, लगभग 390 के आसपास रहने वाली है। इसी के साथ साथियों OBC कट ऑफ भी 390, MBC लगभग 380, SC 370 और ST लगभग 360 कट ऑफ रहने वाली है। इसलिए साथियों इतने मार्क्स यदि आपके हैं तो ही आप काउंसलिंग के विषय में सोचें, फिर भी आप यदि रिस्क लेना चाहते हैं तो रिस्क ले लीजिए और ऑल राजस्थान का ऑप्शन रख लीजिए। प्रिया बेनीवाल जी ने अपने रोल नंबर दिए हैं, हो सकता है इनको रिजल्ट नहीं देख पाई हो, यदि देख लिया तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं देख पाई हैं तो आप फिर कमेंट करके बताना, रिजल्ट आपका भिजवा दिया जाएगा। अनिल दिवाकर जी पूछ रहे हैं कि हेलो सर, मेरे 231 मार्क्स हैं, क्वालिफिकेशन BA एंड MA कैटेगरी जनरल स्टेट UP, क्या मेरे UP से कनेक्टेड स्टेट इन कॉलेज मिल। हाँ बिल्कुल सर, 231 PTT में आप पूछ रहे हैं तो PTT में 231 पर आप कॉलेज प्रिफ्रेंस भरकर देख लीजिए, चांस कमी ही हैं क्योंकि मार्क्स आपके जनरल में 231 हैं, 300 प्लस होने पर हम आपको बोल देते कि आपको बिल्कुल यूपी के नज़दीक मिल जाते, अब चांस बहुत कम है। लीला भारती जी पूछ रहे हैं, अगली जो हमारी कमेंट है जा रहा है, पंकज जाट जी पूछ रहे हैं कि सर 402 OBC क्या मुझे फर्स्ट चॉइस मिलेगी। OBC 402 बिल्कुल फर्स्ट चॉइस मिलेगी, होम डिस्ट्रिक्ट का निकटतम कॉलेज आपको, हो सकता है डाइट भी मिलने की संभावना पूरी है। सुरेश माली जी 342 OBC, सुरेश जी बिल्कुल बहुत नीचे हैं, फिर भी यदि आपको कौन उम्मीद है कि आप STC करना चाहते हैं तो ऑल राजस्थान ऑप्शन रख करके और
एक बार काउंसलिंग करा लीजिए, नहीं मिलता है तो आपके कुछ पैसे कट करके वापस फीस आ जाएगी। साथियों थोड़ा सा वीडियो ये बड़ा हो चुका है, फिर भी आपको बता दिया जाए, इसके पार्ट सेकंड में जो हमारे बचे हुए साथी इनकी कमेंट को शामिल किया जाएगा। पार्ट सेकंड की वीडियो का लिंक भी आपको नीचे 2-3 घंटे बाद मिल जाएगा, तो आप इस पार्ट सेकंड को भी ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको अपनी कमेंट का आंसर भी मिलेगा और साथ ही प्रत्येक परीक्षार्थियों की राय, प्रत्येक परीक्षार्थियों के मार्क्स भी आपको अवगत हो पाएंगे इनसे। साथियों हमारी जो अगली वीडियो आने वाली है काउंसलिंग लाइव प्रोसेस, और इसी के साथ में महाविद्यालय चयन और आवश्यक डॉक्यूमेंट, इनको आपको ज़रूर देखना है, इनका लिंक भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो साथियों वीडियो कैसी लगी, लाइक ज़रूर करना है वीडियो को और कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानधारा हर्षोली चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले।